रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद एक शक्तिशाली भारत की धमक पूरे विश्व में सुनाई देने लगी है, और ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस बयान से साबित भी होती है जिसमें उन्होंने भारत को यूरोप से ज्यादा महत्व दिया। दरअसल रूस और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के बीच युद्ध रोकने के लिए समझौते पर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन यूक्रेन रूस की सारी बातों को मानने को तैयार नहीं है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के सामने ऐसी मांग रख दी है जिससे भारत भी सोच में पड़ गया है। दरअसल जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से सिक्योरिटी गारंटर बनने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि वो रूस के समझौता प्रस्ताव को मानने को तैयार हैं अगर भारत इसमें सिक्योरिटी गारंटर बन जाए। आइए पहले जानते हैं कि सिक्योरिटी गारंटर होता क्या है। मान लीजिए आज यूक्रेन रूस की सारी बातों को मान लेता है और नेटो का सदस्य नहीं बनता है और युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन आज से कुछ साल बाद हो सकता है कि रूस यूक्रेन को हथियाने के लिए दोबारा हमला करने की सोचे। हो सकता है कि रूस सोचे कि यूक्रेन तो नेटो के मेंबर भी नहीं है, तो इसे बचाने कोई आएगा भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आगे आए और हमले की स्थिति में यूक्रेन को रूस से बचाए। वैसे आपको बता दूं कि टर्की सिक्योरिटी गारंटर बनने को तैयार है और यूरोप भी इस बारे में विचार कर रहा है, लेकिन जेलेंस्की दूर की सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि भविष्य की आर्थिक और सैन्य महाशक्ति भारत ही होगा। उन्हें यह भी पता है कि रूस भारत से अपने संबंध खराब करने से पहले हजार बार सोचेगा, इसीलिए भारत से ही वो सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। वैसे जेलेंस्की की इस मांग पर आपका क्या मानना है? भारत को यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर बनना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।